Hi friends, I am Shweta Kaushal and today we will get to know the first contestant of Kaun Banega Crorepati 13 on the hot seat, teacher and young scientist, Gyan Raj. At the age of 25, he's guiding kids in a remote village of Nagri in Seraikela Kharsawan, which is a district in Jharkhand. Gyan Raj ji, welcome. Okay. हेलो हाय. टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मेरी माँ टीचर है तो घर में पढ़ाई लिखाई का एक माहौल मिला मेरे को. स्वासी क्लासरूम में जब पहुंचा तो मेरे पापा ने मेरे को कंप्यूटर गिफ्ट किया था, तो 2004 की ये बात है. तो उस वक्त नगरी के लिए बड़ी बात थी कि किसी घर में कंप्यूटर हो. पूरे इलाके में 10-20 किलोमीटर के दायरे में कोई कंप्यूटर ही नहीं था, तो लोग दूर दूर से आते थे कंप्यूटर कैसा होता है, किन्हीं को भी कोई नेता वगैरह है कुछ छोटा सा टाइप कराना है, मेल करना है दिल्ली, तो उसके लिए आप विजिट करते थे. तो छोटे थे, हम बहुत छोटे थे, तो क्लास टू में पढ़ रहा था तो काफी छोटा था, लेकिन जब बड़े बड़े लोग आते थे काम कराने के लिए, टाइप कर दो ये कर दो, बहुत अच्छा लगता था. तो फीलिंग आ गई थी कि नहीं आगे चलकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ये एक सोच मन में आ गया था. फिर ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ता गया. वही 2010 के टाइम पे, 2009-2010 में थिएटर फिल्म आई थी, उसको भी क्लास 10 में था. तो फिर मैंने देखा, फिल्म देखे काफी अच्छा भी लगा. जो आमिर खान का किरदार था रैंचो का, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा. उसमें कई दिमाग में फीलिंग्स आ गई थी कि नहीं इंजीनियर तो बनना है लेकिन वापस गाँव आना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया जो है तुमको खोजे. यानी ये नहीं कि तुम जॉब के और पीछे भागो, जो सिंपल है ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे नहीं, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी. तो ये सब बातें थोड़ी दिमाग में आ गई थी. उसके बाद एक तरीके से हुआ कि पहला टारगेट था कि मैट्रिक अच्छा करना, मैट्रिक काफी अच्छा रहा. फिर उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज, अब यहाँ से हैं झारखंड से तो जानते होंगे, एक सपना था यहाँ पे जाना, तो यहाँ पे जाने का मौका मिला. 12th में स्टेट टॉपर था अपने स्टेट का, और स्टेट टॉपर होने से ऑफर्स भी अच्छे मिले थे. इसरो का ऑफर आया था और इंडियन आर्मी से भी इंजीनियरिंग का ऑफर आया था, लेकिन उसी टाइम पे माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया था. तो घर में 4 ही मेम्बर्स हैं, मम्मी है, पापा है, एक सिस्टर है छोटी है और मैं हूँ. तो पापा बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको देख रहे थे, तो हमारे घर में माँ को देखने के लिए कोई था नहीं. तो हुआ ये कि नीति अच्छे ऑफर्स थे लेकिन मजबूरन जो है बीआईटी मेसरा को सेट करना पड़ा, क्योंकि वो रांची में ही था. तो मंडे टू फ्राइडे बीआईटी मेसरा, सैटरडे संडे जो है घर पे माँ केयर था, वो मैं करता था. तो इस तरीके से जो है इंजीनियरिंग भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ऑफर्स मिले. कंप्यूटर इंजीनियर को तो ऐसे भी काफी ऑफर्स मिलते हैं जॉब वगैरह के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में आने के लिए, लेकिन मन में एक था कि नहीं यहीं पे आना है. और मेरी माँ की एक बात मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, या कहा जा सकता है इंस्पायर करती थी, वो ये था कि अगर हम चाहें, यानी माँ कहा करती थी कि अगर तुम चाहो तो तुम एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो, चाहो तो आराम से 9 to 5 की जॉब कर सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में सेटल लाइफ जी सकते हो. यदि तुम वापस गाँव में आओगे, हम बच्चों को ट्रेन करोगे, तो आज तुम एक इंजीनियर बने हो, कल हो सकता है कि 1000 इंजीनियर बन जाए. तो ये सब कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने तरीके से कहा, मोटिवेट किया मेरे को कि जॉब नहीं करना है, वापस गांव आना है और गांव के बच्चों को ट्रेन करना है. वही है, अब मैं गांव में हूँ, बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ. हाँ, माँ जो है मेरे लिए इंस्पिरेशन की बहुत बड़ी सोर्स है क्या कि मेरी माँ रांची से बिलोंग करती है, टाउन से बिलोंग करती है, और टाउन से बिलोंग करती है, लेकिन उन्होंने भी बचपन उनका भी एक तरीके से रिवोल्यूशनरी उनकी भी रही है थिंकिंग. उन्होंने भी सोचा था कि उनको भी गाँव आना है. उनके भी मेरिज प्रपोजल्स जो थे बहुत अच्छी अच्छी जगहों से आ रहे थे. मेरे नाना जो है वो HSC में वर्क करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरे प्रपोजल्स अच्छे थे, लेकिन माँ ने डिसाइड किया था नहीं गाँव आना है. तो गाँव में जहाँ पे अभी है वो एक फार्मर फैमिली था जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, और बहुत लंबा चौड़ा फैमिली था. और उसके बाद लेकिन उनका मन में था कि नहीं मुझे गाँव आना है, गाँव में कुछ वर्क करना है, वो उनकी सोच थी. फिर वो गाँव में आई, फिर उस वक्त जो है गाँव में आकर यहाँ पे पहली चीज़ें फार्मर फैमिली में आकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है. वो पहली यहाँ की लेडी थी जिन्होंने PG यानी MA इन इकोनॉमिक्स किया था शादी के बाद. ये भी बड़ी चीज है कि शादी के बाद ऐसे भी लोग औरत को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, लेकिन उन्होंने MA तक की पढ़ाई की. उसके बाद वो यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को एडमिशन से स्टार्ट किया उन्होंने, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया. फिर जब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो लड़कियों की ओर से ही डिमांड आए, लोगों की ओर से डिमांड आए कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए. तो फिर माँ ने यहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट करने का प्रयास किया. फिर उसके बाद धीरे 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 बहुत सेक्रीफाइस किया. मेरी माँ की लाइफ स्टोरी तो और ज्यादा मेरे से भी ज्यादा इंस्पायरिंग है. तो काफी सेक्रीफाइस उन्होंने किया. और एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने यूजुअली जब हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, लेडीज की बात करते हैं, तो गहनों का शौक होता है, कपड़ों का शौक होता है. मेरी माँ ने कभी गहने नहीं खरीदे, कभी कपड़े नहीं खरीदे, उन्होंने जो भी है वो सब कुछ स्कूल को ही एक तरीके से कहा, यानी उनके लिए स्कूल ही सब कुछ है, तो स्कूल को ये सब कुछ दिया. और वही माँ की जो पूरे स्ट्रगल है उसी से इंस्पायर होता हूँ, और फिर वही है जो मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए. दिस इज वेरी वेरी हार्टवार्मिंग एक्चुअली. आपकी माँ की कहानी, आपने सच कहा, आपकी माँ की कहानी आपसे ज्यादा इंस्पायरिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी फाइट आपसे ज्यादा रही है.
आपके हिस्से की एक फाइट तो उन्होंने ही की, उसके बाद की आपकी फाइट रही। हाँ ये है कि माँ ने स्ट्रगल नहीं किया होता तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर पाता, माँ की स्ट्रगल से ही ये है ठीक है से फाइट करने का स्पेशल मिलता है। केबीसी से जो कुछ भी आपको मिलेगा उसका यूज आप कैसे करेंगे, द प्राइस मनी? जहाँ तक रही बात की केबीसी का जो अमाउंट है उसका यूज, वैसे तो सपने बड़े हैं, रही बात की केबीसी का अमाउंट एक प्रकार का सपोर्ट है, और सपने इतने बड़े हैं कि केबीसी के अमाउंट से वो नहीं हो सकते हैं, और तो कुछ करना मुझे काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन है अभी जो इमीडिएट काम है वो है मेरी माँ की आंखों की सर्जरी। एट प्रेजेंट जो है थोड़ा हुआ है कि चूंकि मैं स्कूल में वर्क करता हूँ और अभी कोरोना के कारण स्कूल में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्कूल में कोई अर्निंग वगैरह है नहीं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण माँ की सर्जरी बहुत समय से पोस्टपोन चल रही है। तो अभी पहला जो है वो है आँख की सर्जरी माँ की करनी है, और उसके बाद तो सपने बहुत से हैं। पहला तो है कि जो भी मैं जिस स्कूल में वर्क कर रहा हूँ काफी फैसिलिटीज में ऐड करना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर बन रही है अभी फाइनल ईयर में, तो प्रोमिस किया हुआ है जब तक वो डॉक्टर बन के आएंगे तब तक एक हॉस्पिटल रेडी करके देना है उनको। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि करूंगा सारी चीजें।